हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी खाना खजाना बाय सरोजनी। आज मैं आप लोग के साथ साउथ इंडियन इडली से इडली रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक बर्तन में एक डब्बा ले रही हूँ। इसमें मैं एक डब्बा जैसे कि मैं उड़द दाल ले रही हूँ, तो इसे हम लोग भिगो के रखेंगे। तो इस दूसरा एक बर्तन में देखिए, यहाँ पे मैं रो राइस ले रही हूँ, मतलब अरवा चावल। यहाँ पे जो डब्बा में हमने उड़द दाल एक डब्बा लिए है, वहाँ पे दो डब्बा हम लोग यहाँ पे चावल लेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमेशा इस तरह से नाप के बनाएंगे तो आप लोग का जो इडली है ना, उस वो बहुत अच्छे से मतलब बन के तैयार होगी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पर पानी ऐड कर दिए हैं। इसे मैं 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से पानी में भिगो के रखूँगी, ठीक है। तो 2-3 घंटे होने के बाद देखिए, यहाँ हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग का जो दाल है, देखिए सामने से मैं दिखा दे रही हूँ, ये बहुत अच्छे से मतलब फूल चुकी है, मतलब ये बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम लोग अभी एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग एक बार धो लेंगे अच्छे से। धोने के बाद देखिए, यहाँ पे मैं जार में दाल ले रही हूँ। दाल लेने के बाद यहाँ पे हल्का सा पानी, यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हम लोग एक फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दाल जो हमने पेस्ट करके एक बर्तन में मैं इसे ले ली हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से इसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट बनाने के बाद एक्चुअली भिगो के रखने से 2-3 घंटा ना, ये बहुत अच्छे से और जल्दी इसका पेस्ट रेडी हो जाती है। तो देखिए, सेम अभी हम लोग चावल को भी चेक करेंगे। तो चावल भी हमारा बहुत अच्छे से मतलब ये भीग चुकी है, मतलब सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे भी हम लोग अच्छे से धो लेंगे और एक बार धोने के बाद इसका भी एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो उसी जार में मैं यहाँ पे चावल ले रही हूँ। चावल लेने के बाद यहाँ पे हल्का सा पानी हम लोग ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसका फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। तो उसी बर्तन में देखिए, पेस्ट रेडी करने के बाद मैं उसी बर्तन में इसे मिला रही हूँ, ठीक है। उसी बर्तन में मिला लेने के बाद इसे हम लोग अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं जितना भी चावल था सबको अच्छे से मैं यहाँ पे पेस्ट करके दोनों दाल और चावल को एक ही बर्तन में मैं मिक्स कर दूँगी। तो इसे हम लोग पहले अच्छे से फेंट के, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम लोग रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे अच्छे से हम इसे फेंट के रेडी कर चुके हैं। तो इसे अभी हम 7 से 8 घंटे के लिए आप लोग रख दीजिएगा, ताकि आपका जो इडली आप बनाएंगे 7 से 8 घंटे के बाद, तो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट डे को देखिए, यहाँ पे 7 से 8 घंटा हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमारा जो बटर है, इस तरह से बन के तैयार है। तो इसे हम लोग अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक ऐड करूँगी। तो आप लोग स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद इसे हम लोग एक बार अच्छे से 3-4 मिनट के लिए ना अच्छे से आप लोग फेंट लीजिएगा, ठीक है। फेंटने से क्या होगा, इसका जो बटर और भी ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं होगा, और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और आपका जो इडली है बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इडली बनाने के लिए मैं इस बर्तन में चावल को अच्छे से दे दिया। अब हम लोग इसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम कर लेने के बाद देखिए, यहाँ पे बिल्कुल इडली बनके तैयार है। थोड़ा सा गर्म है, तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हो चुकी थी। और अगर आप लोग को सांभर का भी रेसिपी या चटनी का रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा साउथ इंडियन एक ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी है, आप बन के तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये रेसिपी अच्छा लगा हो। और जो भी मेरे चैनल में नए आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।